और सियालकोट कैंट हाउसिंग सोसाइटी स्कैंडल, नैब की तहकीकात का सिलसिला जारी। ख्वाजा आसिफ वक्त से पहले ही नैब ऑफिस में पेश हो गए। नैब हुकाम ने लीग रहनुमा से डेढ़ घंटे तक पूछताछ की। ख्वाजा आसिफ से कैंट हाउसिंग सोसाइटी सियालकोट में उनकी और अहले खाना की सरमायाकारी और सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट के जराए भी पूछे गए, जिससे मुतालिक कुछ दस्तावेजात लीगी रहनुमा ने नैब को फराहम भी की। नैब जराए का कहना है कि ख्वाजा आसिफ ने सोसाइटी इंतजामिया की मिली भगत से 137 कनाल की मंजूरी ली और जायद जमीन फरोख्त की। इंतजामिया की मिली भगत से उन शहरियों की जमीनों पर कब्जा किया गया जिन्होंने कभी सोसाइटी को जमीन फरोख्त की नहीं की।